Hello guys, you are watching Seva Learning. You can also visit us on www.sevalearning.in. So, जैसा कि आप लोगों को राउंड टू का जो ऑल इंडिया का रिजल्ट था वो आ गया था, लेकिन अभी बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे चिल्ड्रन एकदम प्रॉब्लम में चल रहे हैं, क्योंकि वो राउंड टू में चॉइस फिलिंग तो कर दिए थे, जो हाई रेटेड डीम्ड कॉलेज थे वो फिलअप कर दिए हैं, लेकिन अभी उनको सीट तो मिल गई लेकिन फीस ज़्यादा है। अब वो सोच रहे हैं कि उनका 2 लाख रुपए कैसे बचे, वो नुकसान ना हो। तो इसके रिफ़ंड के प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन अगर आप 2 दिन के अंदर रिफ़ंड ले सकते हैं देन यू कैन गेट योर रिफ़ंड फ्रॉम राउंड टू, बट यू हैव टू टेक विद इन 2 डेज। ओके, so there is some notice regarding this. Let's see what is the notice. Online reporting resignation. The candidate who wishes to resign from the UG seat allotted through the online All India Quota UG 18 round 1 are advised to obtain online generated resignation sheet surrender receipt from the allotted college. जिस कॉलेज में आपको मिला था वहाँ से आप ऑनलाइन एक जनरेटेड रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ओनली कैंडिडेट हु हैड ज्वाइन ऑन द अलॉटेड सीट, जो लोग ज्वाइन कर लिए थे और अपग्रेडेशन के लिए लगाए थे उनको कॉलेज को विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद ही ठीक है वो वहाँ से रिजाइनेशन का लेटर ले सकते हैं। दोज हु डिड नॉट रिपोर्ट एट द कॉलेज फॉर द फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड सीट, और जो लोग फर्स्ट राउंड में कॉलेज को अलॉट नहीं किए थे उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटी फॉर द ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ रिजाइनेशन इज अवेलेबल इन योर अलॉटेड कॉलेज एंड विल बी अवेलेबल टिल 3 PM ऑफ 06/08/2018। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट रिजाइन बाई 3 PM ऑफ 06/08/18 विल बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सेकेंड राउंड and rules of second rule will apply on such candidate. देखिए rules 2 में यही था, round 2 के लिए rules था कि round 2 में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपका 2 लाख रुपए नुकसान हो जाएगा। एक प्रोसेस ये है कि अगर आप 2 दिन के अंदर रिफंड ले सकते हैं देन यू मे टेक द रिफंड। ओके, The college authority are requested to report all the resignation online only through the seat surrender resignation surrender of allotted seat. If candidate is not satisfied of allotted institute in charge admin module of allotted college for MCC record, please note this information may be used placing before honorable in place of pending code. All persons requested to report online all those resignation surrender allotted in respect of the candidates who were released offline FM. से बहुत सारी बातें हैं जो कॉलेज हैं उनको भी एमसीसी ने रिपोर्ट किया, कहा है कि जो लोग सरेंडर कर रहे हैं सीट को उनका डेटा हमें प्रोवाइड करिए, ठीक है। सो क्या करेंगे आप लोग को, राउंड टू में चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी थी, अब आपको सीट मिल गई है, देखिए क्या होता। ओके, एंड नाउ लेट्स सी द काउंसलिंग शेड्यूल फॉर मॉप अप। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राउंड 1 और राउंड 2 हो चुका है, मॉप अप राउंड जो होगा वो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ही है, प्लस ESIC के लिए है, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम अगस्त 12 टू अगस्त 14 जो होगा, 12 अगस्त लेके 14 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 15 अगस्त को पेमेंट कर सकते हैं, 16 को आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, 17 को रिजल्ट है, रिपोर्टिंग टाइम 18 अगस्त है। ये डेट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉप अप राउंड सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए और ESIC के लिए क्यों है। मॉप अप राउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अभी ऑल इंडिया से कोई रिपोर्ट नहीं है, पर जो भी ऑल इंडिया से सीट बचती है 15% में से जो भी सीट बचेगी, ठीक है, उस सीट को स्टेट को समर्पित कर दिया जाएगा, पर वो सीट स्टेट अपने 85% कोटा के अंदर नहीं ले सकता है।
सपोज 15% में किसी बच्चे को सीट मिली और वो सीट रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद वो एम्स में चला गया या फिर अपने स्टेट काउंसलिंग से किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, तो उसकी जो ऑल इंडिया की सीट हो गई वो राउंड टू के बाद स्टेट को दे दी जाएगी। लेकिन उस 15% सीट जो स्टेट ऑल इंडिया को देता है वो उसको अपने 85% सीट में इंक्लूड नहीं कर सकता है। वो जो सीट होगी उसको स्टेट लेवल पे मॉप अप होगा जिसमें अदर स्टेट के लोग अलाउ रहेंगे, ठीक है। अदर स्टेट के लोग वहाँ मॉप अप राउंड गवर्नमेंट सीट के लिए कर सकते हैं, बट ओनली फॉर 15% वैकेंट सीट जो ऑल इंडिया से बच के आई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रिपोर्टिंग नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट टू द डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एसआई फॉर मॉप अप राउंड 27 अगस्त। जो भी मतलब सीट नॉन रिपोर्टिंग होगी या नॉन ज्वाइनिंग होगी उसकी एक और मॉप अप होगी, वो 28 अगस्त को होगी, सॉरी 27 अगस्त को होगी, ठीक है। तो अभी कोई नहीं है कि पूरा सेंट्रलाइज काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं होगा, वो सीटें स्टेट को समर्पित कर दी जाएंगी। स्टेट करेगा, अब वो जिस जिस स्टेट को अलाउ करेगा वो वहाँ पे जाके सीट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट सीट के लिए। तो ये हो गई आपकी मॉपअप की बातें। अब देखिए, अगर आपको कहीं भी कोई भी कॉलेज का सीट मैट्रिक्स देखना हो कि क्या है कितना बचा है, तो आप एमसीसी की वेबसाइट से ही, ठीक है, www.mcc.nic.in/ug-counseling/home/view-seat-matrix, आप यहां से जिस कॉलेज का, ठीक है, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, किसी का देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं, ओके। दूसरी बात, अगर आपको 15% रिलेटेड से कोई डाउट आती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार फिर आपको अपडेट करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मेनू है उस पर क्लिक करिए और ये पूरा पढ़िए। बिकॉज़ इफ़ यू आर गोइंग टू रीड दिस यू विल गेट ऑल द सेटिस्फैक्ट्री डेटा एंड ऑल द सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स विच आर गोइंग इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में गूंज रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स कि ऐसा हो गया, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला तो मॉपअप राउंड में एलिजिबल हैं कि नहीं, या फिर अगर मैं सेकेंड राउंड में सीट को रिजेक्ट करता हूँ तो क्या स्टेट में एलिजिबल हैं कि नहीं। इस टाइप की जो भी सारी बातें हैं आप इसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से विजिट करिए, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, जस्ट गो टू द www.mcc.nic.in एंड जस्ट गो टू द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मेनू एंड जस्ट रीड दैट मेनू, ओके। व्हाट आर द अदर न्यूज़, या हो गया। अभी जो है राजस्थान का क्या है, 150 सीट जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए इंक्रीज कर गई, तो ये बेनिफिट इज गोइंग टू गिव द बेनिफिट फॉर अदर स्टेट पीपल हु अप्लाइड इन राजस्थान, ओके। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी थी, उसको क्या था कि उसका परमिशन नहीं था, लेकिन अभी उसको एमसीआई ने परमिशन दे दिया है कि वो सेकेंड राउंड के लिए अपनी काउंसलिंग करा सकती है। सो इससे ये अप्रूव होता है कि वहाँ पे 150 सीट जो है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से इंक्रीज हो गई, ओके। तो ये था आपका जयपुर का न्यूज़। चलिए देखते हैं वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा। तो आपका वेस्ट बंगाल में बहुत सारी चीज़ें हैं, शेड्यूल फॉर राउंड टू आ गया है, ठीक है, न्यू एनरोलमेंट एंड फी पेमेंट फॉर राउंड टू, कोटा प्राइवेट एंड मैनेजमेंट कोटा स्टार्ट्स। आप यहाँ देख रहे हैं ये रेड सिग्नल चल रहा है, तो पहले शेड्यूल देख लेते हैं, ओके। द पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट इन वेस्ट बंगाल कोटा प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा आफ्टर राउंड वन। जो राउंड वन के बाद जो सीट की वैकेंसी है वो आपको 12 बजे नून 12 सेकेंड अगस्त को दे दी गई है, ठीक है। ऑनलाइन इनरोलमेंट जो होगा वो
अगस्त 2 से लेके अगस्त 3 तक है, यानी 2nd अगस्त टू 3rd अगस्त। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है wbmcc.nic.in, ठीक है। प्री काउंसलिंग वेरिफिकेशन एट 2 सेंटर, उसके बाद प्री काउंसलिंग है, ठीक है, जहाँ पे आप विजिट करके द कैंडिडेट हु हैड अर्लियर पेड अर्लियर बिफोर राउंड 1 बट फेल टू अटेंड वेरिफिकेशन, वो यहाँ पे जाके अपना वेरिफिकेशन करा सकता है। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द राउंड 2, जो राउंड 2 के लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे वो आपको अगस्त 6 को आ जाएगा। राउंड 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड यूजर आईडी पासवर्ड जनरेशन, ये आपको आफ्टर 6 PM 06/08/2018 till 2 PM to 9 तक है। राउंड 2 फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर ऑल कैंडिडेट, ये भी आपको 6 to 9 है। सो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको डाल दूंगा, और जस्ट प्लीज गो थ्रू दिस लिंक एंड रीड इट प्रॉपरली, व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, लेट्स सी द वैकेंसी। ये आपकी है वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है, ठीक है, राउंड 1 के बाद द वैकेंसी आफ्टर राउंड 1। ओके, आप देख सकते हैं जो भी कॉलेजेस हैं, BTS की वैकेंसी है, ठीक है, MBBS की वैकेंसी है, और आप वैकेंसी के हिसाब से डू द चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 2, ठीक है। जो भी वैकेंसी है उसके हिसाब से देखिए, अभी इसमें प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा 51 सीट है, KPC मेडिकल कॉलेज जावतपुर। सो इन सब सारी चीज़ों को आपको देख के चलना है, ठीक है, और ये सेपरेट वाइज भी दिया है SC PC UR PC किसके लिए क्या वैकेंसी है, इट इज़ गिवन सेपरेटली। ओके, सो वेस्ट बंगाल के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी लोग अप्लाई किए हैं, जस्ट सी द वैकेंसी एंड देन डू द चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 2। उसके बाद ये डेटा है, आपको नोटिस मैंने आपको बता ही दिया, ये नोटिस था, ठीक है, क्या डेट है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाके आप देख भी सकते हैं। ओके, सो वेस्ट बंगाल पीपल जस्ट बी रेडी एंड बी एक्टिव, other people, other state people also who applied in West Bengal, just be active. Okay, अब आइए मैं देखता हूँ क्या चल रहा है कर्नाटका में। कर्नाटका में देखिए, मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, ऑप्शन एंट्री सेकेंड राउंड की अभी भी चल रही है, जो रिजल्ट होगा वो 5th अगस्त को आ रहा है राउंड 2 का, और मॉपअप राउंड के जो काउंसलिंग है, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मॉपअप राउंड की, चलिए देखते हैं उसका डेट क्या है। मॉपअप राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको रैंक वाइज अगस्त 2, अगस्त 2nd और अगस्त 3rd को है, ये बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंक 1 to 15,000। ओके, आई थिंक इट्स 1,50,000, एंड देन अदर इज अप टू 7,57,569, दिस इज़ फॉर कर्नाटका, एंड 6,34,897 फॉर द नॉन कर्नाटका पीपल। जो भी लोग मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं, राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं किए थे, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2nd और 3rd अगस्त को है, प्लीज़ जाके कर लीजिए। ओके, जो लोग राउंड 2 की चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर लें, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक कर लें, ऑप्शन एंट्री, और यहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ रिवाइज शेड्यूल है यहाँ का, ठीक है, राउंड 2 की जो है वो तो आपकी समाप्त हो गई है, ये जो मॉपअप राउंड की चीज़ें हैं, मॉक अलॉटमेंट होगा राउंड 2 के लिए,
फिफ्थ को होगा रीअरेंजमेंट ऑफ ऑप्शन आफ्टर रिवर्सन ऑफ ऑल इंडिया अनफिल्ड सीट, नाइन्थ को होगा पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट, पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट 1108 है, पेमेंट ऑफ फीस इफ नॉट पेड डाउनलोडिंग एडमिशन ऑर्डर 1608 है, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट द कॉलेज 1808 है। ओके मॉपअप राउंड क्या है, आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, लास्ट डे टू पे द रजिस्ट्रेशन फीट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, डाउनलोडिंग द एंट्री पास 0708, ऑफलाइन काउंसलिंग जो है आपका 2008 टू 2108, मतलब जो ऑफलाइन काउंसलिंग है अभी उसके लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। एंट्री पास आप 7 अगस्त टू 8 अगस्त में डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज अगस्त 25, फॉरवर्डिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट क्वालिफाइंग इन 10 टाइम्स, नंबर ऑफ वैकेंसी टू द कॉलेज 2608, लास्ट डेट ऑफ जॉइनिंग 3108। सो ये रहा आपकी मॉपअप राउंड की कहानी, ये मॉपअप राउंड डेंटल की कहानी है, ठीक है। सो एक बार आप और इसको आप जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड के लिए तैयार रहिए, 5 अगस्त को आपका रिजल्ट आ रहा है और मॉक अलॉटमेंट होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ ऑप्शन आप कर सकते हैं 0908 को, पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट 1108 को सेकेंड राउंड का एक्चुअल रिजल्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। 1308 और 1608 तक का आप फीस पेमेंट वगैरह करना है और कॉलेज को रिपोर्ट करना है, ठीक है। शे में आप ऑनलाइन फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉपअप के लिए तैयार रहिए, मॉपअप के लिए ऑलरेडी जो लोग कर चुके हैं बेहतर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके कर लीजिए, एंट्री पास लेना है और ऑफलाइन काउंसलिंग तो अभी काफ़ी लेट है, ओके। तो जस्ट चिल, द स्टूडेंट्स हु अप्लाइड इन मॉपअप राउंड जस्ट चिल फॉर फ्यू डेज, ओके। और ये आपकी डेंटल की है जो कि ख़त्म हो गई, और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सेम डेट है, फर्स्ट मॉपअप राउंड सेम है, सेकेंड मॉपअप राउंड भी होगा जो 25 है, 26 है, ऑफलाइन काउंसलिंग 27 है, 019 है, 0309 है, 1509 है, ओके। सो इस टाइप से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप प्लीज़ इसके थ्रू जाइए, ठीक है। और कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ आती है तो वो श्योर आपको अपडेट किया जाएगा। इफ़ लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। सो जस्ट कीप रिलैक्स, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग एंड कीप लविंग, हैव अ नाइस डे।